इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक प्रमोशन एग्जाम 2025 जो उन साथियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो सब स्टाफ से क्लर्क में प्रमोशन लेना चाहते हैं और फॉर्म भरे हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं 15 कॉन्सेप्ट या कहें तो 15 पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ हम डिस्कस करेंगे। आप देखिएगा एग्जाम में 90% जो क्वेश्चन होगा इन्हीं सारा कॉन्सेप्ट से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो लेते हैं, क्वेश्चन कहें या कॉन्सेप्ट कहें इनको आप रख लीजिए, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। अब देखिए पहला जो हम बताने वाले हैं वो है फुल फॉर्म ऑफ फटका। पूछ देगा इसे फटका लिख देगा FATCA। अब फटका लिख देगा, इसमें पूछेगा कि F स्टैंड्स फॉर, F किसके लिए आता है, या ये दे देगा T किसके लिए आता है, या दे देगा C किसके लिए आता है। तो फुल फॉर्म पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इससे यहां से ये पूछ सकता है। अब चलिए हम फटका का फुल फॉर्म बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ओरिजिन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। बस इतना याद रख लीजिए, ओरिजिन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। एक नंबर आपका यहां से सिक्योर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछ देगा कि गार्निशी ऑर्डर कौन जारी करता है, गार्निशी ऑर्डर कौन जारी करता है ये पूछ देगा। तो इसमें जो है गार्निशी ऑर्डर जो है वो कौन जारी करता है, कोर्ट या अदालत। गार्निशी ऑर्डर कौन जारी करता है, कोर्ट। अब पूछ देगा कि बैंक को इसमें गार्निशी ऑर्डर में बैंक को क्या कहा जाता है, तो गार्निशी ऑर्डर में जो है बैंक को कहा जाता है गार्निशी। गार्निशी ऑर्डर में पूछ देगा बैंक इज कॉल्ड, इन गार्निशी ऑर्डर बैंक इज कॉल्ड, तो सीधा इसका उत्तर हो जाएगा बैंक इज कॉल्ड गार्निशी। बस एक क्वेश्चन आपका यहां से सिक्योर हो जाएगा। दो चीज बताएं, गार्निशी ऑर्डर कौन इश्यू करता है और गार्निशी ऑर्डर में बैंक को क्या कहा जाता है। तो गार्निशी ऑर्डर जो है वो कोर्ट इश्यू करता है, बैंक इसमें गार्निशी होता है। चलिए नेक्स्ट होता है अटैचमेंट ऑर्डर। आप पूछ देगा कि अटैचमेंट ऑर्डर यहां ये दोनों गार्निशी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर से एक क्वेश्चन 100% रहेगा। तो यहां अटैचमेंट ऑर्डर कौन जारी करता है, तो रिवेन्यू अथॉरिटी GST हो गया, इनकम टैक्स हुआ, इससे जो होता है वो रिलेटेड वो होता है अटैचमेंट ऑर्डर। एक क्वेश्चन यहां से हो गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी। तो फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी आप जानते होंगे, बैंक में काम करते हैं तो इतना तो जानते होंगे, फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी नो योर कस्टमर। अब देखिए इतना तो जान गए कि फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। अब बात कर लेते हैं केवाईसी का जो गाइडलाइंस है वो किस सेक्शन में डिफाइंड है। तो केवाईसी का जो गाइडलाइंस है वो BRA, पढ़े होंगे यदि पता होगा BRA के 35A सेक्शन जो है यहाँ डिफाइंड है केवाईसी का गाइडलाइंस। लिख लीजिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35A में केवाईसी कैसे करना है उसका गाइडलाइंस जो है वो दिया गया है। यहां से एक क्वेश्चन केवाईसी वाला सेक्शन से रहेगा ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं AML, इसी में आ जाएगा, पूछ देगा फुल फॉर्म ऑफ AML। AML का फुल फॉर्म पूछ देगा, इसका होता है एंटी मनी M4 मनी लॉन्ड्री, एंटी मनी लॉन्ड्री। लिख लीजिए
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहां से बन सकता है इसमें, सी डी डी पूछ देगा, फुल फॉर्म ऑफ सी डी डी, या पूछ देगा सी डी डी में ये जो सेकेंड डी है इसका क्या अर्थ होगा, या ये पूछ सकता है तीसरा डी है स्टैंड फोर, इसका हो जाता है फुल फॉर्म कस्टमर कस्टमर ड्यू डिलेंस, कस्टमर ड्यू डिलेंस। अब इसमें एक आता है पीएमएलए, पीएमएलए इसका क्या मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ मनी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसका आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो पर्सनल मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे। समझ में आया, ये इतना जो टर्म था वो केवाईसी से रिलेटेड था। केवाईसी का बता दिए, फुल फॉर्म नो योर कस्टमर, केवाईसी गाइडलाइंस जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 35A सेक्शन में डिफाइंड है। इसके बाद एएमएल बता दिए, एएमएल का फुल फॉर्म एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सीसीडी का फुल फॉर्म बता दिए कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, पीएमएलए का फुल फॉर्म बता दिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक होता है वर्किंग कस्टमर, पूछ देगा व्हाट इज वर्किंग कस्टमर। वर्किंग कस्टमर वो होते हैं जिसका हमारे साथ कोई बैंक अकाउंट नहीं होता है, नो बैंक अकाउंट विथ अस, अकाउंट विथ रिलेटेड जिस बैंक में गया उस बैंक से। तो यहां से पूछ देगा अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इक्वल और मोर देन 50,000, यदि 50,000 से ज्यादा का अमाउंट जमा या निकासी करता है तब वर्किंग कस्टमर का केवाईसी करना अनिवार्य हो जाता है। पूछ देगा वर्किंग कस्टमर का केवाईसी कब करना अनिवार्य है, उसमें कुछ चार ऑप्शन देता है, 30,000 अमाउंट तक, 40,000 अमाउंट तक, इसका करेक्ट आंसर है 50,000 या इससे ऊपर का आता है लेके, तो वर्किंग कस्टमर का केवाईसी करना अनिवार्य है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आपका रहेगा रिस्क क्लासिफिकेशन से, रिस्क क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टमर। तो रिस्क क्लासिफिकेशन जो है इसमें तीन प्रकार का रिस्क है, एक हाई रिस्क हो गया, एक मीडियम रिस्क हो गया, एक होता है लो रिस्क। हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क, तो इसमें पूछ देगा कि हाई रिस्क का केवाईसी कितने दिन में होना चाहिए, तो हाई रिस्क का केवाईसी 2 ईयर में एक बार होना चाहिए। इसके बाद पूछ देगा मीडियम रिस्क का केवाईसी कितना दिन में होना चाहिए, तो मीडियम रिस्क का केवाईसी 8 साल में एक बार होना चाहिए। उसके बाद पूछ देगा कि लो रिस्क का कस्टमर का केवाईसी कितना दिन में होना चाहिए, तो इसका केवाईसी जो है 10 साल में होता है मीडियम रिस्क का केवाईसी। यहां से एक क्वेश्चन रहेगा क्लास रिस्क क्लासिफिकेशन में, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क। हाई रिस्क का केवाईसी 2 साल में, मीडियम रिस्क का केवाईसी 8 साल में, और लो रिस्क का केवाईसी 10 साल में। अब एक क्वेश्चन जो पिछला बार पूछा था टाइप्स ऑफ ओबीडी से, तो पूछेगा ओबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टाइप्स ऑफ ओबीडी, ओबीडी का कितना टाइप होता है, 6 टाइप, 6 टाइप का ओबीडी अभी है वो चल रहा है। इसमें कौन कौन से आते हैं 6 टाइप में, तो एक होता है पासपोर्ट, पासपोर्ट हो गया, डीआर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, इसके बाद वोटर आईडी हो गया, इसके बाद मनरेगा कार्ड हो गया, मनरेगा कार्ड हो गया, लेटर बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसमें से कोई दे देगा, पूछेगा ये कौन ओबीडी नहीं है, या पूछ देगा कि इनमें से कौन ओबीडी है, या ये भी पूछ सकता है ओबीडी कितने प्रकार के होते हैं। ओबीडी जो है 6 प्रकार का, 6 प्रकार का ओबीडी होता है। अब एक आता है बीएसबीडीए अकाउंट,
पूछ देगा कि बीएसबीडी अकाउंट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीएसबीडीए का फुल फॉर्म होता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बीएसबीडीए का फुल फॉर्म हो गया बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। अब इसमें पूछ देगा कि मिनिमम बैलेंस कितना रखना चाहिए। तो बीएसबीडीए अकाउंट में जो है मिनिमम बैलेंस 0 होता है, 0 बैलेंस रख सकता है। मैक्सिमम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी रख सकता है, नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन। इसके बाद मैक्सिमम क्रेडिट 1 साल में कितना जमा कर सकता है, तो नो रिस्ट्रिक्शन, कोई लिमिट इसमें नहीं है, जितना मन उतना जमा कर सकता है। मिनिमम मैक्सिमम जो विड्रॉल, मैक्सिमम विड्रॉल इन ए मंथ नो लिमिट, इतना चीज हो गया। इतना चीज पूछ सकता है आपका बीएसबीडी अकाउंट से रिलेटेड। अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब पूछ देगा कि मीडियम रिस्क अकाउंट कौन हो सकता है। ऑप्शन में आपका दे देगा, इसमें पूछेगा इनमें से कौन मीडियम रिस्क अकाउंट है। तो पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट जो होता है वो मीडियम रिस्क अकाउंट में आता है। लिमिटेड कंपनी अकाउंट, लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी का जो अकाउंट होता है वो मीडियम रिस्क अकाउंट में आता है। एच यू एफ अकाउंट, HUF, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, हिंदू, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF का फुल फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और दूसरा प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट, कौन कौन अकाउंट मीडियम रिस्क अकाउंट में हो गए, पार्टनरशिप का अकाउंट, लिमिटेड कंपनी का अकाउंट, HUF अकाउंट और प्रोपराइटरशिप अकाउंट, ये जो हो गए इतना, ये मीडियम रिस्क अकाउंट में आते हैं। नेक्स्ट हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फुल फॉर्म बेस्ड। पिछला साल जो फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया था वो यहां हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है ओटीपी, पूछ देगा ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, अब एक है पिन, पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब एक टर्म आता है ओटीएस, ओटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, वन टाइम सेटलमेंट, लिख लीजिएगा ओटीएस का फुल फॉर्म होता है वन टाइम सेटलमेंट। अब एक टर्म आता है FIU, FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, FIU का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। एक टर्म आता है CTR, CTR कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, CTR कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। एक टर्म आता है CRR काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट, CRR काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट। एक टर्म आता है STR सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। एक टर्म भली भांति आप जानते हैं CKYCR, CKYCR सेंट्रलाइज KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री, CKYCR सेंट्रलाइज KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री, SHG, ये बड़ा ही नामी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहां से आपका तीन क्वेश्चन
100% पूछा जाएगा, इतना जो हम अभी बताए। अब बात कर लेते हैं हाई रिस्क कस्टमर अकाउंट कौन सा होता है। हाई रिस्क कस्टमर अकाउंट कौन सा होता है? एन आर कस्टमर, नॉन रेसिडेंस कस्टमर। इसके बाद एच एन आई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अकाउंट, एच एन आई अकाउंट हाई रिस्क कस्टमर में गिनती होता है। ट्रस्ट अकाउंट, एनजीओ का अकाउंट, क्लब अकाउंट या सोसाइटी अकाउंट। ट्रस्ट का अकाउंट, एनजीओ का अकाउंट, क्लब का अकाउंट, सोसाइटी का अकाउंट, पीईपी पॉलिटिकली एक्सपोर्ट पर्सन का अकाउंट, ये सब हाई रिस्क कस्टमर में आता है जिसका केवाईसी 2 साल में होता है। नॉन रेसिडेंट कस्टमर का अकाउंट एच एन आई का फुल फॉर्म पूछ देगा तो क्या बताएंगे? हाई नेटवर्क इंडिविजुअल अकाउंट, ट्रस्ट का अकाउंट, एनजीओ का अकाउंट, क्लब या सोसाइटी का अकाउंट, पीईपी पॉलिटिकली एक्सपोर्ट पर्सन का अकाउंट हाई रिस्क में आता है। अब एक क्वेश्चन यहां से आपका पूछ सकता है, पार्टनरशिप फ्रेम का जो होता है, यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पार्टनरशिप फ्रेम में जो है मिनिमम पार्टनर कितना हो सकता है? मिनिमम पार्टनर 2 हो सकता है। मैक्सिमम की बात कर ले, मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं। पार्टनरशिप फ्रेम में मिनिमम पार्टनर 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम जो पार्टनर है वो 50 हो सकते हैं। अब कौन पार्टनरशिप फ्रेम में पार्टनर नहीं हो सकता है? अभी एचयूएफ की बात किए, एचयूएफ पार्टनर नहीं बन सकता है। एचयूएफ कैन नॉट बिकम ए पार्टनर। अब बात करते हैं माइनर के, माइनर का केस में माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर। माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर। अब पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है, उसका रजिस्ट्रेशन कहां होता है? ए पार्टनरशिप फर्म इज रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। जहां पे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होता है वहां से पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य होता है। एक होता है एलएलपी, फुल फॉर्म ऑफ एलएलपी, एलएलबी नहीं, एलएलपी। यदि आप काम किए होंगे करंट अकाउंट पे वहां देखे होंगे एलएलपी वाला अकाउंट आता है। इसका फुल फॉर्म होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप फ्रेम पे हो गया बात। अब बात कर लेते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटीज इन ए कस्टमर अकाउंट। नॉमिनेशन जो हम लोग करते हैं कस्टमर अकाउंट में, तो वहां कैसे करना है? तो सबसे पहले बात जो है इसका नॉमिनेशन का जो है फैसिलिटी किस सेक्शन से लिया गया है। तो नॉमिनेशन का जो फैसिलिटी है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से लिया गया। इसका जो सेक्शन है 45 ZA। नॉमिनेशन फैसिलिटी का जो एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 45 ZA से 45 ZL तक नॉमिनेशन के बारे में बताया गया। नॉमिनेशन कैसा होता है, कैसे कर सकते हैं? तो नॉमिनेशन 3 प्रकार के अकाउंट में कर सकते हैं। डिपॉजिट अकाउंट हो गया, इसमें नॉमिनेशन करते हैं। इसके बाद सेफ कस्टडी में हम कस्टमर कोई चीज रखने दिया उसमें नॉमिनेशन कर सकते हैं। लॉकर अकाउंट में भी नॉमिनेशन करते हैं, डिपॉजिट अकाउंट में, सेफ कस्टडी में और लॉकर अकाउंट में। अब बात कर लेते हैं हु कैन नॉमिनेट,
नॉमिनी कौन बना सकता है या किसको कौन बना सकता है, सॉरी हु कैन नॉट नॉमिनेट, नॉमिनी कौन नहीं बना सकता है, यानी कि अपने खाता में कौन नॉमिनी नहीं डाल सकता है, इसका डिस्कस कर लेते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट में नॉमिनी नहीं होगा। एच यू एफ अकाउंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसमें भी नॉमिनी नहीं होगा। क्लब या सोसाइटी का अकाउंट हो गया, क्लब सोसाइटी अकाउंट, इसमें भी नॉमिनी नहीं होगा। लिमिटेड कंपनी अकाउंट, इसमें भी नॉमिनी नहीं होगा। ट्रस्ट का अकाउंट हो गया, इसमें भी नॉमिनी नहीं हो गया। लास्ट हो गया माइनर अकाउंट, माइनर अकाउंट में भी नॉमिनी नहीं होता है। अब देखिए कैसे पूछ देगा, एग्जाम में दे देगा, सब ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा कि इसमें कौन सा अकाउंट में नॉमिनी होगा, या ये भी पूछ सकता है कौन सा अकाउंट में नॉमिनी नहीं होगा। तो पार्टनरशिप का अकाउंट हो गया, एच यू एफ अकाउंट हो गया, क्लब सोसाइटी अकाउंट हो गया, लिमिटेड कंपनी का अकाउंट हो गया, ट्रस्ट का अकाउंट हो गया, माइनर अकाउंट में नॉमिनी नहीं होता है। अब लास्ट 15वां जो है देख लीजिए, हु कैन नॉमिनेट, नंबर ऑफ नॉमिनी, नंबर ऑफ नॉमिनी कि किसी अकाउंट में कितने नॉमिनी होंगे। तो डिपॉजिट अकाउंट की बात कर लेते हैं, डिपॉजिट अकाउंट ओनली वन नॉमिनी, डिपॉजिट अकाउंट में केवल एक नॉमिनी होगा, चाहे सिंगल अकाउंट हो या ज्वाइंट। डिपॉजिट अकाउंट के केस में, डिपॉजिट अकाउंट के केस में वही वन केवल एक नॉमिनी होगा, या वो सिंगल अकाउंट हो या ज्वाइंट अकाउंट हो। अब बात कर लेते हैं सिंगल लॉकर अकाउंट, लॉकर में थोड़ा सा झमेला है, सिंगल लॉकर अकाउंट, इसमें ओनली वन नॉमिनी, सिंगल लॉकर अकाउंट में ओनली वन नॉमिनी, ओनली वन नॉमिनी, सिंगल लॉकर अकाउंट, याद रखिएगा सिंगल लॉकर अकाउंट, ओनली वन नॉमिनी। आप देखिए सबसे बढ़िया बात यहां देख लीजिए, ज्वाइंटली ऑपरेटेड, सिंगल लॉकर अकाउंट अलग होता है, जिसके ब्रांच में लॉकर होगा वो ये बात भली भांति जानते होंगे। सिंगल ऑपरेटेड लॉकर, एक नॉमिनी या एक से अधिक नॉमिनी दे सकता है। ज्वाइंटली ऑपरेटेड, मैंने ये नहीं कहा कि ज्वाइंट लॉकर, ज्वाइंटली ऑपरेटेड लॉकर में एक या एक से अधिक नॉमिनेशन कर सकता है। तो आज हम डिस्कस किए 15 कॉन्सेप्ट कर ले या 15 क्वेश्चन, इसमें से आपको 10 से 15 क्वेश्चन यहां से दिख जाएगा यहां से। चलिए और इसी पे रिलेटेड और वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।